हाय फ्रेंड्स, जस्ट टू के एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज है 27 दिसंबर, जो कि दिसंबर महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैच में आज हमारा जो टॉपिक है वो जनरल सर्विसिंग का टॉपिक है। तो जनरल सर्विसिंग में क्या क्या काम होते हैं बाइक में, सबसे पहले कस्टमर आता है, हमें किन किन पॉइंटों को नोट करना पड़ता है, हमें बाइक वॉश करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, हमें टेस्ट राइड करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, हमें बाइक की सर्विसिंग करते हैं, जनरल सर्विसिंग करते हैं तो हमें किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना पड़ता है, कितने पॉइंट हमें चेक करने पड़ते हैं। तो आज हमने इनको थ्योरी के माध्यम से सब कुछ सिखाया हुआ है। हमारे बैच में 20 स्टूडेंट हैं दिसंबर महीने में, तो हमने सब कुछ इनको सिखाया हुआ है और ये लोग अभी प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं। तो जैसे कि हमने हमारे वर्कशॉप में भी इधर दिखाया हुआ है कि बाइक की सर्विस में कितने काम करना चाहिए, तो इसमें भी लिखा हुआ है 36 काम सर्विसिंग में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और 20 लोगों को हमने दो दो को ग्रुप दिया हुआ है, इनको 10 बाइकें दिया हुआ है हमने जनरल सर्विसिंग करने के लिए। सभी कंपनी की बाइक हैं, जिसमें होंडा कंपनी, बजाज कंपनी, TVS कंपनी, हीरो कंपनी, मतलब सभी कंपनी की बाइक लगी हुई है और रॉयल इनफील्ड भी लगी हुई है। तो सभी कंपनियों की बाइक की ये जनरल सर्विसिंग कर रहे हैं। एक बाइक पर दो कैंडिडेट इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग में पूरा कंप्लीट ये लोग सीख जाते हैं, थ्योरी के माध्यम से सीखते हैं, प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखते हैं, PPT वीडियो के माध्यम से सीख लेते हैं। अगर इस प्रकार से किसी भाई को अगर ट्रेनिंग लेना है, टू व्हीलर में अपना फ्यूचर बनाना है और टू व्हीलर से संबंधित कोई डाउट या क्वेश्चन है, अगर उनका सबका सॉल्यूशन करना है, तो हमारी जस्टोटो की ट्रेनिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।